guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medico, and in this video we are going to revise electric charges and field class 12th physics. But before we start this video, I want to tell you that this video is a revision video. So refer to this video only when you have studied the chapter at least once, so that we can now skim on the important parts of this chapter and also practice. So without further delay, let's start. Electric charges and field. So इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. सो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे यहाँ पे आया है वो है कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होता है? सब्सटेंसेज या मटेरियल विच अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू. सिमिलरली इंसुलेटर्स क्या होता है? डू नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू. ठीक है, नाउ यहाँ पे चार्ज का क्या SI यूनिट क्या होता है? सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कूलम होता है, एंड CGS यूनिट होता है ESU. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में. नाउ चार्जेस की मेनली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट जो होते हैं वो है एडिटिव इन नेचर होता है. क्या चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं? लाइक स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, मतलब Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, एंड उनका जो नेट वैल्यू होगा वो होगा Q1 प्लस Q2. सिमिलरली चार्ज क्या होता है? उसको हम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं उसका, यानी कि चार्जेस जो होता है वो डिस्क्रीट यूनिट्स या काउंटेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE. नेक्स्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? एक आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो उसमें जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा. कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में हम क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². ये सबसे फेमस फॉर्मूला है, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले से आते हैं. नाउ 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, एंड ये वैक्यूम में है क्योंकि यहाँ पे मैंने ε0 लिखा हुआ है. एंड ε0 का क्या वैल्यू होता है? 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायमेंशनल जो यूनिट्स का जो चैप्टर है, चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें काफ़ी बार ये आता है. नाउ ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ में, जो फोर्स है वो क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है. और ये जो फोर्स होता है वो क्या? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? कि हम कोई एक पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे चार्जेस जो कि यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है एक पर्टिकुलर चीज़ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को. और इसका मतलब क्या है? जैसे एक पर्टिकुलर वन डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई वायर, उस पर जो अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q0/4πε0 λdl/r². सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? मतलब टू डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ और ब्रेथ है, तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी को. और फोर्स को कैसे आंसर करेंगे? Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds/r². नाउ नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब थ्री डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, रो से डिनोट करते हैं हम उसको, और फॉर्मूला जो है वो है F = Q0/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ ρdV/r² है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, और टेंजेंट जिस अगर हम उस पर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है और ये इंटरसेक्ट नहीं करती. डायग्राम्स यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं. पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बाहर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर आ रहा है. ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली ऐसे जाएगा ये. नेक्स्ट दो पॉजिटिव चार्जेस को करा है तो सारी चार्जेस देखो बाहर जा रही है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगी, और दो नेगेटिव के लिए भी सिमिलरली अंदर की तरफ आ रही है और रिपेल करेगी. इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या मतलब है? टू पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन केप्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. यानी कि एक जैसे सपोज +2 चार्ज है और एक -2 चार्ज है,
क्या है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट इन साइन है, और दोनों को अगर हम पास पास रख दें तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेन काम क्या है चैप्टर में पढ़ने के लिए, हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। सो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और इसको हम क्या स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। क्यू क्या है, चार्ज का वैल्यू, एंड टू ए जो है वो स्मॉल प्रॉक्सिमिटी या डिस्टेंस है जिससे दो चार्जेस सेपरेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है इजिकल टू एफ बाई क्यू, तो अगर हम क्यू को वन कर दे या यूनिट चार्ज कर दे तो क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के लाइक न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए डिफाइन करने के लिए हम यही करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या क्या बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं या फिर क्या टॉपिक्स जो उससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सो डाइपोल के दो पॉइंट्स होती हैं, एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। सो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जैसे दो अगर यहाँ पे चार्जेस हैं, जैसे दो यहाँ पे चार्जेस हैं तो ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन पे जो भी आएगा इस लाइन पे, इस साइड या इस साइड, उसको हम एक्सियल कहते हैं। सिमिलरली अगर ये दो टेस्ट चार्जेस हैं तो ये प्लेन में जो भी आएगा इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, ठीक है। सो एक्सियल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वैल्यू क्या आता है, 1/4πε₀2πr²-l² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। लेकिन L अगर बहुत छोटा होता है तो L का जो स्क्वायर होगा वो और ज़्यादा छोटा होगा, और क्या हो जाएगा, तो r²-l² बेसिकली r² के ही बराबर आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाता है, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है, E axial is equal 1/4πε₀2πr³ हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, और E axial therefore is proportional to 1/r³, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, बट डायपोल के केस में क्या हो जाएगा, 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला जो है, इक्वेटोरियल इज इक्वल 1/4πε₀p/r²+l² 3/2, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर जैसे अगर l बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर हम l का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² के ही बराबर वो मोर और लेस आएगा। सो E इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, 1/4πε₀p/r³। अगेन E इक्वेटोरियल जो है वो क्या है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है E और R के बीच का। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एक रोटेशनल फोर्स बेसिकली चीज पे अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कच्ची लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। सो टॉर्क का क्या वैल्यू हो जाता है, पी क्रॉस ई, ठीक है, पी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, और टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉर्क को, वो भी एक वेक्टर है। इसके लिए हम डायरेक्शन किससे निकालेंगे, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल से निकालेंगे। टाउ है तो हम क्या, पी से हम ई की तरफ डायरेक्शन को अपने हाथ को मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन देगा, थंब जो डायरेक्शन देगा वो क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। सो स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर मतलब ऐसे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिया हो और एंगल दिया हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। टाउ यानी कि टॉर्क मिनिमम जब होगा उसका वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है, और मैक्सिमम जो होता है वो है प्लस पी ई। वर्क डन, नाउ फोर्स है, वर्क भी हो ही सकता है, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2। सो वर्क का क्या फॉर्मूला आएगा, पी ई cos θ1 - cos θ2, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब वर्क है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ही उसका। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पी ई cos θ cos 90 - cos θ, यानी कि यू इज इक्वल टू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, -PE cos θ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, ठीक है। सो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक पर्टिकुलर एरिया से पास करते हैं नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट ऐसे पास करेगा तो उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम जो है क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε₀ times the charge enclosed by it। मतलब कि एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस एरिया है, जैसे कि ये है सपोज, इसके अंदर से जो फ्लक्स टोटल पास होगा इसके सरफेस से, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ε₀ times इसके अंदर जो चार्ज होगा उसका वैल्यू, ठीक है। सर्कल छोटा सा बना हुआ है,
इसको हम कहते हैं क्लोज सरफेस का इंटीग्रल कहते हैं उसको. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो क्यू है वो है इनक्लोज्ड, जो हम इनक्लोज्ड है उसके अंदर. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिकली. वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, सिलेंडर हो सकता है या फिर स्फीयर हो सकता है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिसका भी हम हो सकता है ना एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली. यूजुअली हम वही प्रेफर करते हैं, लेकिन साइज या शेप पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट क्या है, इफ़ नेट चार्ज इंक्लोज बाय चार्ज इज जीरो देन फ्लक्स इज ऑल्सो जीरो. क्योंकि अब क्यू अगर जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा सब सारा फ्लक्स. इफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के, गॉस थ्योरम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना. अब कोई अगर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो तब तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ नहीं कर सकते, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हम चेंज करना पड़ेगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ई लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, इसका लंबा डेरिवेशन होता है, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं कर रही क्योंकि एक रिविजन वीडियो है. सिमिलरली इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है. लास्ट टॉपिक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल. ठीक है, शेल मतलब क्या होता है, एक स्फीयर जो कि अंदर से खोखला होता है. अगर हम जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो जो है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो अगर स्फीयर के रेडियस से कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ठीक है, क्योंकि चार्ज कोई इंक्लूज नहीं होता उसके अंदर, तो इसलिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है. जब आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है तब क्या हो जाता है, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इंक्लोज हो जाता है. क्योंकि जो चार्ज एक शेल पे रहता है वो सिर्फ सरफेस पे रहता है. ठीक है, सिमिलरली अगर आर ज़्यादा है, जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो स्फीयर के बाहर लाइक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखता है. सो यहाँ पे देखो, ये जो वाला जो एरिया है यहाँ पे ई जीरो है क्योंकि कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, एंड देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये जस्ट है जहाँ पे आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, एंड उसके बाद वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है.